हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआईएस एजुकेशन। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इग्नू के टर्म एंड एग्जाम के लिए जो भी आप असाइनमेंट सबमिशन करते हैं या फिर प्रोजेक्ट फील्ड वर्क एटसेट्रा सबमिशन करते हैं, उनका स्टेटस कैसे जान सकते हैं और उसमें जो स्टेटस शो करता है, जो टर्म्स दिखाता है, उनका क्या मीनिंग होता है, इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैसे चेक करना है ये स्टेप्स बता दूं तो सबसे पहले जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उस पर आपको आना है और इग्नू असाइनमेंट स्टेटस आपको टाइप करना होगा, जो इस तरह लिखा हुआ है, इग्नू असाइनमेंट स्टेटस। जैसे क्लिक करेंगे लिंक ओपन होगा, जो आते हैं लिंक उसमें आपको वो लिंक देखना है, इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी करके लिखा होगा यहाँ पर, और उसके बाद नीचे होगा असाइनमेंट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल सबमिशन स्टेटस चेकिंग। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन मेन्यू से अपना प्रोग्राम कोड आईडी कार्ड में जो लिखा है वो सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपके पास जो स्टेटस है वो शो कर देगा। स्टेटस क्या शो करता है, स्टेटस में तीन टर्म्स जनरली दिखाता है, जिनका अपडेट नहीं हुआ होता है उनका आता है कि नॉट फाउंड, रेड कलर में लिख के आता है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर रीजनल सेंटर कंसर्न्ड, तो ये उनके लिए आता है जिनका नहीं अपडेट हुआ है। दूसरा आता है रिसीव्ड एंड टू बी प्रोसेस्ड, इसका मतलब है कि उन्होंने जस्ट अपडेट किया, अब आपके इवेल्युएट होकर प्रोसेस किया जाएगा। ये जनरली आपका असाइनमेंट स्टेटस शो करता है टू बी प्रोसेस्ड, उसके 1 to 2 weeks में आपका इन प्रोसेस दिखा देता है और फर्दर 2 weeks बाद आपका चेक ग्रेड कार्ड फॉर डिटेल्स करके आता है, जब आपके मार्क्स ग्रेड कार्ड में आ जाते हैं। तो ये टर्म्स उसमें शो करता है, इनका मीनिंग आप समझ चुके हैं। असाइनमेंट स्टेटस चेक करने का लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।